आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कैंडिड बी क्रीम के बारे में। दोस्तों, जिनको भी वेजिना में या पेनिस में हमेशा ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और दाना निकल जाता है या फिर खुजली होता है, तो उस कंडीशन में ये कैंडिड बी क्रीम जो है बहुत ही फ़ायदा करता है कि उनका ईस्ट इन्फेक्शन जो है वो सही हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर हो जाता है। और कई लोगों को तो कई कई सालों से हर साल में 2 से 3 बार उनको ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और उनके वेजिना में या पेनिस में दाना निकल जाता है, कभी कभी तो घाव बन जाता है और मवाद भी निकलता है। तो इस कंडीशन में आपको ये क्रीम जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर बहुत बुरा कंडीशन आपका और मवाद निकल रहा है तो उस कंडीशन में भी आप उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए। ध्यान रखिए, सिर्फ पानी से धोना है आपको, साबुन, शैम्पू, क्रीम, इन सब किसी भी चीज़ का केमिकल का यूज़ नहीं करना है। सिर्फ पानी से धो लीजिए और उसके बाद किसी साफ़ कपड़े से उसे अच्छे से सुखा लीजिए और सूखने के बाद इस क्रीम को आप थोड़ा सा उस अच्छे से लगा लीजिए। दोस्तों, सुबह शाम आप इस क्रीम को लगाइए और 2 से 3 दिनों में ही आपका ईस्ट इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर बहुत बुरा कंडीशन है तो आप 1 सप्ताह तक लगाएंगे तो आपका ईस्ट इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको बार बार हो रहा है, यानी फिर से 1 महीना बाद फिर हो गया, फिर आपने दबा लिया ठीक हो गया, फिर कुछ दिन बाद फिर हो गया, तो उस कंडीशन में भी आप जैसे ही आपको खुजली शुरू हो आप इसको लगा लिया कीजिए, या फिर जब भी आप अपने पार्टनर के साथ हों उसके बाद जब भी उठे तो आप अपने पार्टनर और आप दोनों लोग इसका यूज़ कर लें। दोस्तों, अगर आपको बार बार ईस्ट इन्फेक्शन हो जा रहा है, यानी अगर आपने एक बार क्रीम लगा लिया और वो ठीक हो गया, फिर से 10-15 दिन बाद फिर से आपको खुजली महसूस हो रहा है, तो दोस्तों जैसे ही खुजली शुरू हो आप इसको लगाना शुरू कर दीजिए। 2-3 दिन आप लगाएंगे आपका जो है वो सही हो जाएगा, फिर से आपको कुछ दिन के लिए राहत मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो उनका सही नहीं होता है और इसी तरह से उनको करना पड़ता है। कुछ दिन आप ऐसे करेंगे 2-3 महीना, तो उसके बाद में आपका परमानेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने फुल डिटेल में एक वीडियो बनाया है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। जब भी क्रीम लगाएं तो ध्यान रखें कि सूखा करने के बाद ही लगाएं, गीले पे नहीं लगाना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल हेल्थ फेल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, इसका प्राइस जो है बहुत ही कम है, कोई महंगा नहीं है, बहुत सस्ता क्रीम है, तो इसको आप यूज़ कीजिए। और अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई इस रोग से परेशान है तो आप उनको इस क्रीम के बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।